बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? वैसे तो मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, देखा जाए तो किन्नर समाज में देखा जाता है तो समाज में बहुत गलत तरीके से उनको देखा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये देखिए, तो मतलब नया कुछ नहीं है, ये एकदम बहुत पहले से ये होते आ रहा है कि समाज है मतलब मेल और फीमेल, यहाँ पे थर्ड जेंडर का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और लोग मानते भी नहीं है कि हमारा समाज में थर्ड जेंडर बोल के भी कुछ लोग रहते हैं। तो मतलब बहुत समय बीत चुका है, अभी लोगों का नज़रिया को थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि हर जगह किन्नर लोग भी तरक्की कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किन्नर लोग या फिर थर्ड जेंडर लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा थर्ड जेंडर लोग मतलब बहुत सारा जगह में काम करते हैं, जैसे वकालत कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आई थिंक कि समाज में हम लोगों को भी एक अच्छा नज़रिया से देखे, अच्छा सोच से देखे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल लाइफ में। अच्छा, अक्सर देखा जाए तो जो भी बंगाल की जो लड़कियां होती है किन्नर होती हैं, अक्सर वो यूपी बिहार में आती है। क्या कारण होता है कि अक्सर वहाँ की किन्नर और लड़कियां अक्सर यूपी बिहार में जो डांस करने के लिए आती हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, जैसे कि हमारा वहाँ पे भी प्रोग्राम होता है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम जैसे होता है, किसी का घर में बर्थडे छटियार होता है तो दो चार चौके बिछा देता है, तो उसी में साउंड लगा देता है, तो उसमें प्रोग्राम हो जाता है। बट हमारा वहाँ पे कैसा होता है प्रोग्राम, जैसे कि अच्छा खासा स्टेज बना हुआ होता है, वहीं पे प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे पेमेंट भी कम मिलता है और यहाँ का जो इनाम का पैसा है वो भी कम मिलता है। तो आई थिंक इसीलिए जितना भी डांसर या फिर जितना भी लेडीज़ लोग हैं जो थोड़ी सी मजबूर है अपना पेट से या फिर अपना फैमिली से, वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पैसा इनकम करने के लिए मैं यूपी बिहार में चले जाऊँ, क्योंकि एक तो पेमेंट भी है, ऊपर से यहाँ पे इनाम का पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। कहीं कहीं जगह में तो पेमेंट से डबल हो जाता है इनाम का पैसा, तो इसलिए शायद आ जाते हैं। क्या जो भी लोग होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा सवाल चलता है, किन्नर जो होती हैं उन लोग का जो फीलिंग होती है, क्या लड़के के प्रति यही फीलिंग होती है कि लड़कियों के प्रति फीलिंग होती है? आई थिंक किन्नर लोग जैसे ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, दो टाइप का ट्रांसजेंडर होता है, एक मेल टू फीमेल, एक फीमेल टू मेल होता है। तो अगर हम लोग को लड़की के प्रति फीलिंग होती तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, मतलब इस जगह में क्या करते ना। ऑब्वियसली लड़का के प्रति फीलिंग्स है तभी ना किन्नर बनते हैं कोई। आप लोग को जो भी होते हैं लड़के के प्रति फीलिंग होती है? यस।